Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study the three constitutions of Gray-Wolf. We are going to study the constitution of this three constitution, that is hydrogenide, oxygenide and carbonitrogenide. So simple, in a very simple way, और इसके last मतलब lecture के last में मैं आपको ना एक page दिखा दूंगी या फिर एक cover page लगा दूंगी जिसपे तीनों constitution के different remedies differentiated रहेंगे जो कि मैंने मेरे PG के preparation के time पे पढ़ा था. ठीक है, first constitution is hydrogenoid constitution. So hydrogenoid constitution में क्या रहता है कि ना more of hydrogen into it, मतलब water content in the blood is more, मतलब खून में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, हाइड्रोजन की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा रहती है. तो है ना, मतलब उसकी वजह से वो पर्सन हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू द हैनिमन, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के लोग साइकोसिस से मतलब कंपेयर होते हैं. साइकोसिस में जितना भी कुछ बीमारियां रहती है या फिर साइकोसिस के जो भी कोई ड्रग्स है वो हाइड्रोजनाइड में हो सकते हैं, मतलब हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले निकल सकते हैं, हो सकते हैं. ठीक है, उसको कंपेयर किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ना जो भी कोई बीमारियां साइकोसिस के लोगों को रहती है वो हाइड्रोजन के या फिर हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को होनी ही चाहिए. नो, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, बट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज हाइड्रोजनाइड विथ द साइकोटिक मायाजम बिहाइंड. ठीक है, ऐसा हो गया हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन. सो उसके रेमेडीज बहुत सारे रेमेडीज है, जैसे कि मैं आपको रीड आउट करती हूँ. थूजा, कलकरिया काप, सिलीशिया, नेट्रम सल्फ, अर्निका, उसके बाद एपिस मेलिफिका, पल्सिटिला एंड एंटीमोनियम टार्ट, ये सारे रेमेडीज उसके हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. उसके बाद ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, सो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इन द एवरीवेयर इन द बॉडी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिफिट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, तो वो मोड़े जाते हैं या फिर वो टर्न आउट होते हैं ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग. सो उनमें क्या रहता है, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, उसकी वजह से जो भी कोई सिम्टम्स दिखाई देते वो दिखाई देते हैं. एंड इन लोगों को हैनमन सर ने कंपेयर किया है एज अ सिफिलिटिक मायाजम के लोग बोल के. सो इन्हें सिफिलिटिक मायाजम के लोग बोल के क्यों कंपेयर किया है, जस्ट बिकॉज कि उनके जो भी कोई सिम्टम्स है, जो भी कोई बॉडीली पार्ट्स उनके जो भी डिसीज की तरफ ले जाते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव में ही होते हैं, तो इसीलिए उनको सिफिलिस से कंपेयर किया है. सो आई विल रीड आउट द रेमेडीज फॉर यू गाइज. फेरम फॉस, एकोनाइट, चाइना, अर्सेनिकम एल्बम, ग्रेफाइटिस एंड पेट्रोलियम, दीज आर ऑल द थिंग्स या फिर दीज आर ऑल द रेमेडीज विच कम्स अंडर द ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन. कार्बोनाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ नेम सजेस्ट, कार्बन एंड नाइट्रोजन, दैट इज कार्बोनाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो है ना, इसमें कार्बन भी ज्यादा है और नाइट्रोजन की मात्रा भी ज्यादा है, तो इनको बोलेंगे कार्बोनाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसमें हैनमन सर ने बोला है कि बहुत सारे लोग इसमें सोरा वाले लोग ज्यादा रहते हैं. सोरा वाले लोग ज्यादा क्यों रहते हैं, जस्ट बिकॉज की है ना उनमें यू नो एवरीथिंग डिसीज का स्टार्टिंग ही उनसे शुरू होता है, कार्बन और नाइट्रोजन की इस कमी से या फिर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इनके डिसीजेस स्टार्ट होते हैं. एंड दे फॉलोज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. सो आई रीड आउट द रेमेडीज फॉर यू गाइज, दैट इज लाइकोपोडियम, सल्फर, रस्टॉक्स, अर्टिका यूरेंस विच इज बेस्ट फॉर योर स्किन, एनी स्किन का प्रॉब्लम अर्टिका यूरेंस, एंड अर्सेनिकम सल्फ्लैवम, अर्सेनिकम सल्फ्यूरिकम फ्लैवम, ऐसा बोल के एक रेमेडी आती है. आई हैव रेड दैट रेमेडी बट आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज ऑल्सो इन द कमिंग लेक्चर्स. सो ये रेमेडी उसमें आती है. फिर मर्क्यूरियस, हिपार सल्फ एंड एल्यूमिनियम. ठीक है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनली रेमेडीज डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द मायाजम्स ऑफ द पेशेंट विच लाइज बिहाइंड इन द बैकग्राउंड. सो ऑक्सीजन हाइड्रोजनाइड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें साइकोसिस एक्ट करता है. फिर कार्बोनाइट्रोजनाइड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सोरा एक्ट करता है. और फिर उसमें जिसमें हाइड्रोजनाइड का ऑक्सीजनाइड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिफिलिस एक्ट करता है. सो ये सारा होता है एंड इसके सारे के रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी एट द नेक्स्ट पार्ट.
या दिस वॉज अ शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा सा लेक्चर विद अ वेरी क्विक थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेवलोक ग्रेवोल्क वट एवर यू प्रोनाउंस प्लीज करेक्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू नो गाइज सो या दिस वॉज टूडेज लेक्चर आई होप यू लाइक दिस लेक्चर आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल